आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स। अब मैं आपको बता दूं कि एक्टिविटीज 3 तरीके की होती हैं। पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज होती हैं, मतलब ऐसी एक्टिविटीज जो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज से रिलेटेड होती हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिसमें हम नॉन करंट एसेट्स को अक्वायर करते हैं और उनको सेल करते हैं। ये दोनों एक्टिविटीज आज स्कोप ऑफ डिस्कशन नहीं है। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये ऐसी एक्टिविटीज हैं जिससे ओनर्स कैपिटल और बोरोड कैपिटल का कंपोजिशन चेंज होता है, साइज चेंज होती है, कंपोजिशन चेंज होता है। मतलब मान लो आपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करके इक्विटी शेयर्स ले लिए, इशू कर दिए, तो वो एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अब दो डेफिनेशंस और हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे कैश, तो ये कैश ऑन हैंड और डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, कैश इक्वलेंट्स। कभी कभी ये वन लाइनर में आ सकता है कि व्हाट इज कैश एंड कैश इक्वलेंट। तो कैश कंप्राइजेस कैश ऑन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट्स विथ बैंक। कैश इक्वलेंट्स क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश होती है और उसमें बहुत कम रिस्क होती है, इनसिग्निफिकेंट रिस्क, लिटिल रिस्क। तो शॉर्ट टर्म लिक्विड इन्वेस्टमेंट जो शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, इजीली कन्वर्टेबल टू कैश और जिसमें रिस्क नहीं होती है। और ये तो क्वेश्चन पक्का आएगा, व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, 1 मार्क में व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट पक्का आएगा। द स्टेटमेंट इंडिकेटिंग इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्वलेंट्स, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्वलेंट फ्रॉम व्हिच एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है? इनफ्लो एंड आउटफ्लो बताती है किसका, कैश और कैश इक्वलेंट का, कौन सी एक्टिविटीज में से, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो ये वन लाइनर है, पक्का कर लेना। आज हम लोग अब फोकस कर रहे हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे। तो एज यूजुअल हम बैलेंस शीट ड्रॉ करते हैं और बैलेंस शीट का एक लायबिलिटी साइड होता है जिसमें हम लिखते हैं शेयर होल्डर्स फंड। उसमें आता है शेयर कैपिटल, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है, राइट? फिर आता है नॉन करंट लायबिलिटीज, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आता है, फिर ओ फॉर अदर नॉन करंट लायबिलिटीज आती है, एल फॉर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज, और एक करंट लायबिलिटी में आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी इनसे रिलेटेड है, शेयर कैपिटल इश्यू करना या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम करना, करेक्ट? बैंक लोन लेना या बैंक लोन रीपे करना, डिबेंचर्स इश्यू करना या डिबेंचर्स रीपे करना, बैंक ओवरड्राफ्ट लेना या बैंक ओवरड्राफ्ट रीपे करना, ये एक्टिविटीज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आती हैं। तो हम लिस्ट आउट कर देते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या क्या आती हैं, उसमें क्या क्या आता है। तो पहले तो इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स, आप नए शेयर्स इशू करो। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करो। मैंने बताया था रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ही इशू कर सकते हैं, डिबेंचर्स भी रिडीमेबल होते हैं। बैंक लोन रेज करो या रिपे करो, इशू या रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स इशू करना या डिबेंचर्स के पैसे लौटाना, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इंक्रीज और डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड एंड प्रपोज डिविडेंड। जब हम डिविडेंड पे करते हैं, 2 तरीके के डिविडेंड होते हैं, इंटरिम डिविडेंड एंड प्रपोज डिविडेंड, वो डिविडेंड पे करना भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, अब कैसे याद रखें? देखो डिविडेंड हम किसको पे करते हैं, डिविडेंड हम पे करते हैं शेयर होल्डर्स को, तो शेयर होल्डर्स से कनेक्टेड है इसीलिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट किस पर होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट पर, तो वो एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स किस पर होता है, डिबेंचर्स पर होता है, तो वो एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो ये कुछ क्लूज हैं जिससे हम लर्न कर सकते हैं कौन सी एक्टिविटीज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन शॉर्ट बैलेंस शीट में ये जो एक्टिविटीज हैं इनको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कैटेगराइज करेंगे। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, जीएसईबी के टेक्स्ट बुक का है, सम नंबर 20। हमें बोल रहा है कि कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो 5 to 6 लाइंस का हमने स्टेटमेंट बना दिया, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पर्टिकुलर एन अमाउंट। अब सबसे पहला है परचेज ऑफ लैंड। अब आप बताइए लैंड परचेज करना कौन सी एक्टिविटी है, सोचिए। करेक्ट, ये एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो हम नोट्स में डाल देंगे,
कि परचेज ऑफ लैंड एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर इशू करना। अब इक्विटी शेयर इशू करना तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शेयर कैपिटल से रिलेटेड, लॉन्ग टर्म लोन से रिलेटेड ही एक्टिविटीज आएंगी, तो शेयर कैपिटल से रिलेटेड है ये इक्विटी शेयर इशू करना, तो ये हमारी एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स हमने यहाँ पे लिख लिया। नेक्स्ट है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया मतलब आपने पैसे लौटाया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है पर पैसे लौटाया आपने, इसलिए ये चीज ब्रैकेट में आ गई। राइट, माइनस साइन भी डाल सकते हो बट ब्रैकेट इज गुड। फिर है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स को आपने रिडीम किया, पैसे आए कि पैसे गए? करेक्ट, पैसे गए। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स ब्रैकेट में पैसा डाल लिखा 70,000 ब्रैकेट में डाला। देन इज बोरोड बैंक लोन। आपने बैंक लोन लिया है, बैंक लोन लिया है, अब बैंक लोन लेना एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है और ले रहे हो तो पैसा आ रहा है 90,000। नेक्स्ट है डिबेंचर इंटरेस्ट पे करना। मैंने बताया था डिबेंचर इंटरेस्ट डिबेंचर से रिलेटेड है, तो डिबेंचर अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो डिबेंचर इंटरेस्ट पे करना भी एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, क्योंकि पे कर रहे हो इसलिए आपने उसको लिखा ब्रैकेट में। फिर है डिविडेंड पे करना। डिविडेंड किसको पे होता है? इक्विटी को पे होता है या प्रेफरेंस को पे होता है? तो क्योंकि इक्विटी और प्रेफरेंस फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो डिविडेंड पे करना भी कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, पे कर रहे हो इसीलिए आप लिख रहे हो ब्रैकेट में। नेक्स्ट है सेल ऑफ फर्नीचर। अब आप सोचिए सेल ऑफ फर्नीचर कौन सी एक्टिविटी है? फर्नीचर बेचना, नॉन करंट एसेट बेच रहे हैं, बिल्कुल सही सोचा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट परचेज ऑफ मशीन, मशीन परचेज करना कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स पर इंटरेस्ट मिलना, इन्वेस्टमेंट्स पर इंटरेस्ट मिलना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, बिल्कुल सही, तो वो नोट्स में आ जाएगा परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पहले मशीन है, करेक्ट, फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट इज पेड फॉर पेटेंट्स, पेटेंट्स के लिए पे करना। अब पेटेंट्स के लिए पे करना कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग, करेक्ट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सो सम गेट्स ओवर, 4 मार्क्स सम, इनका टोटल करेंगे 1,45,000 माइनस दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस माइनस दिस एंड यू विल गेट सम आंसर 91,000 एंड दैट इज योर आंसर, 4 मार्क्स सम। लेट अस शिफ्ट टू नेक्स्ट सम, सम नंबर 21। क्या फर्क है? तो भाई ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, तो यहां पर हमारे को डायरेक्ट दिया हुआ था, इस समय हमें खुद निकालना है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। चलो साथ साथ करेंगे, ड्रॉ द स्टेटमेंट, 6 to 7 लाइंस की स्टेटमेंट बनाओ। सबसे पहले डिबेंचर्स। अब साल के शुरुआत में डिबेंचर्स थे 1,95,000 के, 10% डिबेंचर्स हैं, और साल के एंड में हो गए 2,45,000, तो डिफरेंस निकालिए। बढ़ कैसे गए डिबेंचर्स? डिबेंचर्स बढ़ गए क्योंकि आपने डिबेंचर्स इशू किए हैं, डिफरेंस इज 50,000। अब इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इश्यू ऑफ 10% डिबेंचर्स 50,000 प्लस में लिखा क्योंकि पैसा आया। कमिंग टू द नेक्स्ट, इक्विटी शेयर कैपिटल। साल की शुरुआत में था 2,50,000, साल के एंड में हो गया 3,45,000, बढ़ गया। बढ़ा कैसे? अपने इक्विटी शेयर्स इशू किए होंगे, डिफरेंस कितना है? परफेक्ट, 95,000, क्योंकि आपने इशू किया है इसलिए आपने प्लस में लिखा। नेक्स्ट 12% डिबेंचर्स, जिन पे हम 12% इंटरेस्ट पे करते हैं, साल की शुरुआत में कितना है? 1,50,000, साल के एंड में कितना है? 1,00,000। कम हो गए मतलब आपने रिडीम किए हैं, रिडीम किए हैं तो ब्रैकेट में डालेंगे क्योंकि पैसे गए इसीलिए आपने ब्रैकेट में पुट किया। कमिंग टू द नेक्स्ट, प्रेफरेंस कैपिटल। साल की शुरुआत में 1,00,000, साल के एंड में
80,000। कम हुए कि बढ़े? कम हो गए, बिल्कुल सही, कम हो गए। तो कम हो गए तो मतलब आपने रिडीम किए हैं, तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, पैसे दिए हैं। 20,000 कम हो गए, कम हो गए तो आपने ब्रैकेट में लिखा। नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, साल की शुरुआत में 68,000 था, साल के एंड में 45,000 रह गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा कम हो गया तो आपने रीपे कर दिया। रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट कितना कम हुआ? 23,000, बिल्कुल सही। कैलकुलेशन करके देखो, 68,000 में से 45,000 माइनस करो तो आपका कितना बैंक ओवरड्राफ्ट कम हो गया, तो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट 23,000 कम हो गया, मतलब आपने रीपे कर दिया। नेक्स्ट इज एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि डिबेंचर इंटरेस्ट आपने पे किया है, डिबेंचर इंटरेस्ट आपने पे किया है। तो मैंने पहले भी बताया था कि डिबेंचर्स अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो डिबेंचर इंटरेस्ट पे करना भी एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, अब आप पे कर रहे हो इसीलिए आपने ब्रैकेट में लिखा। नेक्स्ट इज इक्विटी शेयर डिविडेंड एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, 22,000 पे किया है। तो इक्विटी और प्रेफरेंस ये कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो उनका डिविडेंड भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड एंड प्रेफरेंस डिविडेंड क्योंकि पेमेंट की है तो ब्रैकेट में डाल दिया। नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट पे किया है 4,000, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट भी अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब हम इनका टोटल करिए, कैलकुलेशन ऑन 50,000 प्लस 95,000 माइनस 50,000 माइनस 20,000 माइनस 23,000 माइनस 12,000 माइनस 22,000 माइनस 4,000 इज 14,000। तो ये सम्स हो गए कवर फाइनेंसिंग एक्टिविटी के, दो ही सम्स हैं। कमिंग टू द इलस्ट्रेशन, ड्रॉ करिए, साथ साथ करेंगे 5 to 6 लाइंस की स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब साथ साथ करते जाएंगे, नाउ यू ऑल्सो हैव कमांड, अगर आपने साथ साथ सम्स किए होंगे तो डेफिनेटली आपको कमांड आ गई होगी। साल के शुरुआत में 12 लाख का इक्विटी है, साल के एंड में 18 लाख का इक्विटी हो गया, तो इक्विटी बढ़ गया। इक्विटी बढ़ा कैसे? राइटली थॉट, आपने शेयर्स इशू किए हैं, अब इक्विटी शेयर कैपिटल इशू किए हैं, कितने के डिफरेंस कितना है? 6 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करना 6 लाख, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल लिख सकते हैं आप, यहाँ सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल पॉजिटिव लिख सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, साल के शुरुआत में 10 लाख रुपए, साल के एंड में 8 लाख रुपए। कम हुआ बड़ा? कम हो गया, बिल्कुल सही। रीपेमेंट किया है, रिडम्पशन किया है, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन किया है, तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 2 लाख रुपए आप ब्रैकेट में डालेंगे क्योंकि पैसा गया। नेक्स्ट, डिबेंचर्स चेंज नहीं है, 6 लाख का 6 लाख है, तो नोट्स में भी लिख सकते हैं नो चेंज, या डिबेंचर्स लिखकर डैश लिख सकते हैं, तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि भाई हमें पता है डिबेंचर्स में कुछ चेंज नहीं है, हमने नहीं लिखा, ऐसे नहीं, हम भूल गए हैं। तो या तो नोट्स में लिखो कि नो चेंज इन डिबेंचर्स, या डिबेंचर्स लिख के डैश कर दो तो थोड़ा इंप्रेसिव रहेगा। डिविडेंड पेड, इक्विटी शेयर कैपिटल पे इतना डिविडेंड दिया है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे इतना डिविडेंड दिया है, अब डिविडेंड पे करना एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो पेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर डिविडेंड 2 लाख रुपीज, फिर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 1 लाख रुपीज, क्योंकि पे कर रहे हैं तो आप ब्रैकेट में लिख रहे हो। चेक दिस, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। लास्टली डिबेंचर इंटरेस्ट पे करना, अब डिबेंचर इंटरेस्ट पे करना एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो पेमेंट ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट 50,000 ब्रैकेट में। अब अगर इनका टोटल करेंगे, ये सारे माइनस करेंगे, तो आपको एक आंसर आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 50,000। अब हम ने ये एज पर टेक्स्ट बुक खत्म कर दिया। अब मैं आपको एक और सम का क्वेश्चन रख रहा हूं, आप साथ साथ करते जाइए, मैं डिस्कस कर रहा हूं। ये सेल्फ लर्निंग टेक्स्ट बुक का है, जीएसईबी की एक सेल्फ लर्निंग टेक्स्ट बुक है जो जीएसईबी की वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसका ये एक सम है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के इतने ही सम्स है, ज्यादा है ही नहीं। साल के शुरुआत में चेक करिए कितना है डिबेंचर्स, 2,45,000।
साल के एंड में वो हो गया 1,95,000। तो आपने डिबेंचर्स रिडीम किया 2,45,000 माइनस 1,95,000, तो आपने 50,000 के डिबेंचर्स रिडीम किए। तो 50,000 डिबेंचर्स रिडीम किए तो वो आप ब्रैकेट में लिखेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट साल के स्टार्ट में 45,000 था, साल के एंड में 70,000 हो गया, तो आपने 25,000 ओवरड्राफ्ट बढ़ गया, मतलब आपने ओवरड्राफ्ट रेज किया है, तो 25,000 प्लस में लिखेंगे। प्रेफरेंस कैपिटल साल के शुरुआत में 3 लाख रुपए था, साल के एंड में हो गया 1,80,000, तो 3 लाख माइनस 1,80,000 आपने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किया। रिडीम किया तो आपने उसको ब्रैकेट में पुट किया। इक्विटी कैपिटल साल के शुरुआत में 3 लाख रुपए, साल के एंड में 5 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज बढ़ गया, तो इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स 2 लाख रुपीज। ठीक है, बैंक लोन साल की शुरुआत में 1,40,000, साल के एंड में 1 लाख, यानी बैंक लोन कम हो गया, रीपे कर दिया, रीपे कर दिया तो ब्रैकेट में आपने 22,000 डिबेंचर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन और डिबेंचर्स पे किया है, ये भी एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इक्विटी शेयर डिविडेंड पे किया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। और आपने बैंक ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट पे किया, वो भी एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और ये सारी पेमेंट्स हो रही हैं इसीलिए ब्रैकेट में, एंड व्हेन यू विल टोटल इट यू विल गेट द आंसर। सो दैट्स इट, इतने ही सम्स हैं हमारे पास, ज्यादा सम्स ही नहीं है जीएसईबी के लिए। होप यू विल डू दिस सम, यू विल फेयर आउट दिस सम, एंड यू विल टोटल इट एंड यू विल गेट द आंसर। गुड लक।